प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण का किया लोकार्पण। कहा, देश के अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया सरायकेला खरसावां जिले का दौरा। 234 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रांची रेल मंडल के 14 अमृत रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री 26 फरवरी को करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। धनबाद में भी 20 जगहों पर कार्यक्रम। और रांची में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 219 रन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में करीब 35,000 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उनके खेतों में बेकार पड़ी भूमि पर छोटे और संयंत्र लगाने की पेशकश कर रही है। 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। आज ये भाजपा सरकार है जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया है, उसका अधिकार दिलाया है। देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से सहकारी क्षेत्र के कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का भी शुभारंभ किया। 11 राज्यों की 11 पैक्स में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण हेतु गोदामों सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पूर्ण समृद्धि सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मित्रों, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। माघ पूर्णिमा के दिन को हमारे यहां बहुत शुभ माना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकारी क्षेत्र के अंदर नए प्राण फूंकने की जो शुरुआत करी है, हम सब जानते हैं देश आजाद हुआ तब से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता अनेक पार्टियों की सरकारों के सामने अपना मांग रखते रहे कि सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना हो, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र को भी समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसको रिलेवेंट भी रखना होगा, उसको मॉडर्नाइज भी करना होगा और उसके अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की। वैसे तो यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन दोनों के बीच झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा हुई। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज सरायकेला खरसावां जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय सरायकेला को 317 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि सरायकेला को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड अलग जोड़ने के बाद हम लोग 23 साल हम लोग पार कर चुके हैं और 23 साल के अंतर्गत में इस रायकेला खुर्सा जिला के दो दो मुख्यमंत्री भी है, पाला अर्जुन मुंडा एवं हम इसी जिला से। लेकिन हमने सोचा कि हम एक सरायकेला ऐतिहासिक जगह को ऐसा मनुष्य जीवन के बीच में ऐसा हम प्रस्तुत करेंगे, चाहे यहाँ का रोड रास्ता हो, यहाँ चाहे पार्क हो, आने वाला दिन पूरा नदी किनारे में मेरीन ड्राइव टाइप का बनेगा और उसी जगह पूरा छो कलाकारों का एक अलग ही तस्वीर इतिहास दर्शन आप लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद दौरा 1 मार्च को प्रस्तावित है। इसे देखते हुए भाजपा तैयारियों में जुट गई है। इस सिलसिले में गिरिडीह जिले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहीं। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। वो एजेंसी पहले से दाखिल, उनके ऊपर पहले से ही जांच चल रहा है, तो जिसके ऊपर पहले से वो दागी है, जिसके ऊपर जांच चल रहा है, फिर क्या मजबूरी थी कि वैसी एजेंसी को काम दिया जाए? तो इसलिए रामगढ़ थाने में युवक की संदेहास्पद मौत को लेकर सांसद जयंत सिन्हा ने आज उनके परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गरमाता जा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी के बाद अब हजारीबाग सांसद ने मृत युवक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पहली मांग है कि एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट टीम जो है डॉक्टरों की जाए, शरीर अभी भी पोस्टमार्टम सेंटर में है, उसको देखें, वो खुद देखें कि क्या है लीपापोती नहीं लेकिन वास्तविकता जो है वो स्पष्ट हम लोगों को पता लग जाना चाहिए। सांसद श्री सिन्हा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जनता का इस सरकार के प्रति मोह भंग हो गया है। ये सब हम लोगों के सामने हो रहा है। आज इस बिचारी बस्ती में माँ से बात करके मुझे तो आंख में आंसू आ गए, देखकर क्या हुआ है इस पुलिस पे, इस प्रशासन पे, इस मुख्यमंत्री पे, कोई हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, कोई हम लोगों का। मृतक के पिता ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार इन दिनों देश की रेलवे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के उद्देश्य से विकसित भारत रेलवे अमृत योजना 2047 पर काम कर रही है। इस योजना के तहत 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 554 रेलवे स्टेशनों और 1585 आरओबी और अंडरपास का वर्चुअल मोड में उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र मोदी झारखंड में भी कई जगहों पर अमृत रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रांची रेलमंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि इस दौरान रांची रेलमंडल के 26 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में 554 रेलवे स्टेशन का अमृत स्टेशन का इनॉग्रेशन किया जाएगा या डेडिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा 1554 रेल आरओबी बोलते हैं या रेल अंडरपास सबे बोलते हैं, इनका इनॉग्रेशन या डेडिकेशन किया जाएगा। डीआरएम श्री बिंद्रा ने बताया कि विकसित भारत अमृत रेल योजना के तहत झारखंड में भी कई योजनाएं ली गई हैं। इस वित्तीय वर्ष के बजट में झारखंड के लिए रिकॉर्ड 7234 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। 2024-25 का बजट जो कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसमें झारखंड राज्य को रिकॉर्ड एलोकेशन दी गई है 7234 करोड़। श्री बिंद्रा ने यह भी जानकारी दी कि कल के मन की बात कार्यक्रम के अंक में हटिया रेलवे स्टेशन की चर्चा हो रही है, इसको लेकर कल हटिया स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हटिया स्टेशन इस पर नॉमिनेट किया गया है
कि 11 बजे प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोग और शहर के गणमान्य व्यक्ति माननीय सांसद भी बैठा रहेंगे। हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री से मन की बात करते हैं। आजादी के अमृत काल में देश भर में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण भी शामिल है। निश्चय ही 2047 में जब देश आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, भारतीय रेलवे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे में एक होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। उधर धनबाद रेल मंडल में भी 20 जगहों पर कार्यक्रम होना है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि धनबाद रेल मंडल में 17 लिमिटेड हाइट सबवे और 2 आरओबी का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2047 के विकसित भारत की विकसित रेल प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्र छात्राओं द्वारा इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। विकसित भारत के तहत विकसित रेल पर इन छात्र छात्राओं द्वारा सुझाव और विचार भी प्रस्तुत किए जाएंगे। 20 जगह में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की एक खास बात है कि पहली बात वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दूसरी बात में यहाँ पे सब जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के साथ साथ ही जितने भी डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं आसपास के क्षेत्रों से सबको बुलाया जा रहा है। साथ ही बच्चों को इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से। देन 2047 में उनके मन में विकसित भारत और विकसित रेल के बारे में क्या उनका विचार है वो जानने के लिए कॉम्पिटिशन किया गया है, उसमें उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इधर बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर में आधा रेल मंडल के डीआरएम सुमित नुरुला ने भी 26 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधा मंडल के 6 अमृत स्टेशनों का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 26 तारीख को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 550 अमृत स्टेशन एवं 1500 आरओबी यानी रोड ओवर ब्रिज या आरओबी का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल सुविधाओं में हो रही बढ़ोतरी से यात्रियों में भी उत्साह है। तैनात रहते हैं, किसी भी चीज का यहाँ सुविधा हमें जो उसमें स्टेशन बहुत अच्छा चल रहा है, वंदे भारत भी दिया है, ट्रेन का परिसर भी अच्छा है, साफ सफाई बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी भी अभी पहले से बहुत बढ़िया दिख रहा है। 2047 के विकसित भारत की विकसित रेल प्रतियोगिता के लिए धनबाद के केंद्रीय विद्यालय डिनोबली स्कूल और बिशप स्कूल के छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। आज धनबाद रेल मंडल कार्यालय में इन छात्र छात्राओं ने दूरदर्शन से अपने सुझावों को साझा किया। रेलों के बारे में बताया गया था, कैसे रेलवे नेटवर्क रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। मैंने उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में लिखा है, खासकर रेलवे। मैंने लिखा है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसको देखते हुए मुझे लगता है इंडिया बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। मैंने बताया कि आने वाले जनरेशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मतलब होना चाहिए, उसमें मैंने एक ड्राइंग के इशारे दर्शाई है जिसमें मैंने कहा कि जो ट्रेन है वो नीचे से नहीं ब्रिज के ऊपर से जाना चाहिए और हर एक गाड़ी सोलर सिस्टम से चलना चाहिए। तो हम उसमें ड्राइंग किए थे कि अंडरग्राउंड ब्लड ट्रेन और एक्सप्रेस और इलेक्ट्रिक इंडियन इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो इसमें तो ऐसे में मैंने लिखा है कि भारत को विकसित करने के लिए विकसित रेल का विकास होना बहुत जरूरी है। उसमें विकास होने से बहुत सारे मतलब भारत को बहुत थोड़ी सुविधा मिलेगी। 2047 मैंने ड्राइंग की थी, मैंने आने वाली जनरेशन में क्या क्या होना चाहिए उसको दर्शाया। 2047 मेरा चयन निबंध लेखन में किया गया है जिसमें मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और यह जो योजना मोदी जी ने लागू किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत विकसित 2047 को लागू कर उन्होंने कहा वॉइस ऑफ द यूथ जिसमें हमारा मतलब है कि सारे देश के युवा इसमें पार्ट लें जिससे कि हम अपने भारत को जितनी अत्यधिक स्तर पर इसका विकास कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को झारखंड के 18 अमृत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। इनमें रांची का टाटी सिलवे और नामकुम रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में स्कूली बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रांची के टाटी सिलवे और नामकुम स्टेशन को अमृत स्टेशन में शामिल करने को लेकर यहां के स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। उससे भी अधिक खुश वे बच्चे हैं जिनको 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसकी आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है।
उस दिन नामकुम स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में बिशप हर्टमैन स्कूल के बच्चे डांस, नृत्य, नाटिका और पेंटिंग आदि के जरिए अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। इसकी तैयारी में ये बच्चे जी जान से जुटे हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चे भारतीय रेल के विकास के इतिहास और उसकी मजबूत संरचना पर भी प्रकाश डालेंगे। इस भारत सभ्यता के आरंभिक 3000 वर्षों के संपूर्ण कालकांड में भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बना रहा है। आज विश्व के प्रत्येक मंचों पर भारत की स्वीकारताएं देखने तथा भारत की मजबूत आवाज सुनने की तीव्र जिज्ञासा ने यह साबित कर दिया है कि भारत विकासशील भारत के साथ विकसित भारत बनने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। इसी स्कूल की छात्रा तनिषा ने बदलती भारत की तस्वीर और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की चुनौतियों पर एक लघु व्याख्यान तैयार किया है, जिसे वह उस दिन के कार्यक्रम में सुनाएंगी। The Prime Minister Narendra Modi has introduced initiative by the name of Viksit Bharat 2047, which aims to provide prosperity free from the strategic, economic and culture point of view. अब तक हाशी पर पड़े झारखंड के ऐसे 18 स्टेशनों का भाग्य बदलने वाला है। यही कारण है कि इन इलाकों के लोगों को 18 फरवरी का बेसब्री से इंतजार है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रेल मंत्रालय ने गुड्डा जिले को एक और ट्रेन की सौगात दी। इस नई ट्रेन का परिचालन गोड्डा से गोमती नगर तक शुरू की गई है। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मौके पर विधायक अमित मंडल समेत रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद थे। सांसद ने इसके लिए रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। और सबों को बगल में देखिए, यदि ट्रेन हो जाएगा तो यहाँ से 10-15 रुपया में जो है गोड्डा के बच्चे प्रत्येक सप्ताह जो है देखने के लिए जाएंगे, कभी किसी के बच्चे जाएंगे, कभी किसी के बच्चे जाएंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे, चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के, एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है, बैठिए यहीं से कर लीजिए। RBI के ऑम्बड्समैन को कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया जजमेंट, कंप्लेंट करिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ जमा करोगे तो फिर बुक तो गए। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। अब यह कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी राशन कार्ड धारी PDS दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। EPOS मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज, रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेनू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी।
आपका स्वागत है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने लोगों का आह्वान किया है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाएं। वे आज जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलाशवनी पंचायत में आयोजित मेगा शिविर में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान 11,000 से ज्यादा लाभार्थियों के बीच करीब 10 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का एक सुलभ तरीका है। हम लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं और मेडिएशन के थ्रू 68% कामयाब हो रहे हैं। 9 तारीख को हम लोग का नेशनल लोक अदालत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसको डिस्पोजल करें और जो प्री लिटिगेशन है उसको भी डिस्पोजल करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि कोर्ट में आने के पहले मामला का निपटारा हो जाए, जो लिटिगेशन लगता है वो नहीं हो पाए, मामला सुलझ जाए। गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दुबे ने बताया कि गुड्डा के सोनाराय ठाड़े और देवघर के सारठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 26 फरवरी को गुड्डा लोकसभा क्षेत्र के 4 अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शिलान्यास होगा। 4 रेलवे स्टेशन का जो है महत्व स्टेशन में शिलान्यास करेंगे, एक देवघर, एक संतापुर, एक बासी नाटक, एक गोडा, और इसके अलावा कई एक सर्वे बनाया है। तो कभी प्रधानमंत्री जी हमसे परसों भी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और जो आज की सूचना है उसके हिसाब से 1 मार्च को प्रधानमंत्री जी संवाद आ रहे हैं, उस पर भी गोडा संसदीय क्षेत्र के लिए बढ़ा दे रहे हैं। जो देवघर से गोडा नया रेल लाइन बना है उसका जो है उद्घाटन। माघी पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं ने विभिन्न गंगा घाटों में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर राजमहल में माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय इस राजकीय मेले का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री बादल और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया। मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के झूले और दुकानें भी सजाई गई हैं। गिरडी स्थित उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने एक बैठक कर उपायों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि नदी में अवैध बालू के उत्खनन पर रोक लगाने के लिए जिला खनन अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नदी जिसका उद्गम स्थल जमुआ में है और वो पूरे एंटायर लेंथ में इसका बहाव होते हुए फिर बाकर में जो कन्वर्ज करता है, तो ये पूरे लेंथ में कई जगह ऐसे हैं जहाँ की रिवर पल्यूट हो रहा है या रिवर बेड जो है वो इरोड हो रहा है, यानी कि बालू का अवैध खनन होने के कारण में जो नदी का जो स्वरूप है या नदी घाट है वो उसकी जो स्वरूप है वो बिगड़ रही है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने यह निर्णय लिया सीसीएल प्रबंधन 2 करोड़ रुपए सीएसआर के तौर पर उपलब्ध कराएगा। माइनर रिवेशन डिपार्टमेंट इसका एस्टीमेट डीपीआर प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने निर्देश दिया है कि फेज मैनर में आप प्रिपेयर करें ताकि योजना हम जल्दी से स्टार्ट कर सकें। और अब बात रांची में खेले जा रहे टेस्ट मैच की। रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड के 353 रन से 134 रन पीछे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण का किया लोकार्पण। कहा, देश के अन्नदाताओं को ऊर्जा दाता बनाना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया सरायकेला खरसावां जिले का दौरा। 234 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रांची रेल मंडल के 14 अमृत रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री 26 फरवरी को करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। धनबाद में भी 20 जगहों पर कार्यक्रम। और रांची में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 219 रन।